नमस्कार दोस्तों, चाइना से निकला कोरोना आज दुनिया भर में फैल चुका है। इस कोरोना के चलते कई सारे लोगों को क्वारंटाइन और आइसोलेशन में रखा जा रहा है। टीवी चैनल्स पर क्वारंटाइन और आइसोलेशन ये शब्द बार बार सुनने मिल रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि क्वारंटाइन और आइसोलेशन का क्या मतलब होता है और इनमें क्या फ़र्क होता है? इसे जानने के लिए वीडियो को आगे तक देखते रहिए। जब कभी कोई संक्रमित बीमारी फैल जाती है जिसके लिए कोई वैक्सीन या दवाई अवेलेबल नहीं होती, तो इसे फैलने से रोकने के लिए क्वारंटाइन और आइसोलेशन की प्रक्रिया की जाती है। आज दुनिया भर में कोरोना या फिर कोविड-19 फैलने से रोकने के लिए कई सारे लोगों को क्वारंटाइन और आइसोलेशन में रखा गया है। क्वारंटाइन का मतलब होता है संगरोध, यानी बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए किसी संदिग्ध व्यक्ति को सभी लोगों से अलग रखना। इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति को कोरोना या फिर कोविड-19 डिटेक्ट हुआ है, ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए लोगों को कुछ दिनों के लिए यानी तकरीबन 7 से 14 दिनों के लिए अलग रखा जाता है। इस प्रक्रिया को क्वारंटाइन कहते हैं। इसी बीच उस व्यक्ति को कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर अस्पताल में उनका इलाज शुरू किया जाता है और लक्षण ना दिखाई देने पर उन्हें घर वापस भेज दिया जाता है। ये क्वारंटाइन कभी कभी अस्पताल के बजाय किसी खाली रूम्स या फिर होटल्स में भी किए जाते हैं। कुछ व्यक्ति खुद को घर में सेल्फ क्वारंटाइन कर लेते हैं, क्योंकि वो किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आ चुके होते हैं और इसी वजह से किसी और को उसका संक्रमण ना हो। आइसोलेशन का मतलब होता है कि जिसे कोई संक्रमित बीमारी डिटेक्ट हो चुकी है और उस बीमारी का फैलाव ना हो, इसलिए उसे अलग रखकर उस पर इलाज किया जाता है। जैसे कि जब किसी व्यक्ति को कोरोना डिटेक्ट हो चुका है तो उस व्यक्ति को अस्पताल में सबसे अलग रखकर उस पर इलाज किया जाता है। आसान भाषा में बताया जाए तो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को अलग रखा जाता है और उस पर इलाज किया जाता है, उसे आइसोलेशन कहते हैं। और कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आए हुए लोगों को अलग रखा जाता है, उसे क्वारंटाइन कहते हैं। आशा है आपको क्वारंटाइन और आइसोलेशन का मतलब समझ में आया होगा।